शाहपुर थाना अगोकी के इलाके मोजा भंजड़ में दो अबाश लड़कों की 12 साल बच्चे से इसलाह के जोर पर बदफेली। वर्सा का एहतजाज, आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। क्राइम रिपोर्टर यासर अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अगोकी के इलाके मोजा भंजड़ के दो अबाश नौजवान फहद और अब्दुल्ला ने 12 साल बच्चे मोहम्मद हारून को वरगला कर कदीर टाउन ले गए और पिस्टल के जोर पर बदफेली करते रहे। दौरान बदफेली बच्चे पर मारने की नीयत से 3 फायर भी किए। फायर मिस होने से बच्चा बच गया। वर्सा ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब, आईजी पंजाब, डीआईजी गुजरांवाला और डीपीओ सियालकोट से अपील की है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इबरतनाक सजा दी जाए। रिक्वेस्ट है कि ए बंदे जरे ना ए बाहर नहीं आने चाहिए ताकि मेरे बच्चे ना या सानू इंसाफ मिल सके। तो जे आज मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हुई है तो आइंदा किसी और दी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना होए। तो ये जो दो लड़के थे अब्दुल्ला और फाहद, ठीक है, इन्होंने इसके साथ ज़्यादती की है और हम मोहल्लेदार हैं, हम किधर जाएंगे, हमें भी बताया जाए ना। ये बच्चा ही आटा लैन गया तो ये ज़्यादती की थी दो बंदियां ने, ठीक है ना। असी कल दे बच्चे अपने अंदर च वाड़ बैठे हाँ, असी आने साढ़े बच्चे ना ज़्यादती ना होए, ठीक है ना। डीपीओ साहब, वज़ीर-ए-आला साहब, वज़ीर-ए-पंजाब, इन्होंने दरखास्त है कि इन्हों कड़ी तो कड़ी सजा मिले। मैं ना आटा लेने जा रहा था, मेरे बाबा की शकीर थे अब्दुल्ला और उनका दोस्त फाहद, वो भी वहीं जा रहे थे। तो वो कहते हैं कि हम भी वहीं जा रहे हैं तो इकट्ठे चलते हैं। तो रास्ते में सुनसान जगह पे वो उन्होंने मुझे उठाया और मुँह के आगे हाथ रख के ले गए और उन्होंने भी मेरे साथ गंदे काम किए।